हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे महाजनपदों के बारे में। तो हम जानते हैं जो महाजनपद थे ये भारतवर्ष में छठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही महाजनपदों का उदय होने लगा। तो करीब 16 महाजनपद ऐसे थे जिनका कि उदय 16 महाजनपद जिनका उदय छठी शताब्दी से शुरू होने लगा। तो हम इन 16 महाजनपदों के बारे में और इनकी राजधानियों के बारे में पढ़ेंगे। 16 महाजनपदों के बारे में बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय, इसमें इन 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि जो 16 महाजनपद थे वो दो प्रकार के थे, गणतंत्रात्मक और राजतंत्रात्मक। तो उसमें जो दो ऐसे थे महाजनपद जो गणतंत्रात्मक थे, वज्जी और मल। अब हम इसको कैसे याद करेंगे, हम देखेंगे कि जो वज्जी और मल है दोनों में ये हाफ हाफ है, हाफ वर्ड है। तो इससे हम याद कर सकते हैं कि ये दोनों गणतंत्रात्मक है वज्जी और मल, और बाकी जितने 14 है वो सारे राजतंत्रात्मक महाजनपद हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो पहला महाजनपद है वो है अंग, जिसकी राजधानी है चंपा। फिर सेकंड है मगध, मगध की राजधानी है राजगृह। काशी की राजधानी वाराणसी। तो हमें पता है कि काशी नगरी वाराणसी को कहा जाता है, जिससे कि हम इसको इजिली याद कर सकते हैं। फिर हम आते हैं कौशल, कौशल की राजधानी है अयोध्या। तो हम ये पढ़ते हैं कि जो कौशल देश के राजा थे, कौशल के राजा थे वो थे राजा दशरथ। तो इस वजह से हम याद कर सकते हैं जो कौशल की राजधानी है वो है अयोध्या। वज्जी की राजधानी है वैशाली। मल्ल की राजधानी है कुशीनगर। वत्स की राजधानी है कौशाम्बी। पांचाल की राजधानी है कांपिल्य। फिर हम आते हैं इधर, कुरु की राजधानी है इंद्रप्रस्थ। इसको हम कैसे याद करेंगे, कुरु को अगर हम गुरु कहें तो लोग इंद्र को देवताओं की गुरु मानते हैं, इंद्र को गुरु के रूप में देखते हैं। तो हम इसे याद कर सकते हैं, जो कुरु की राजधानी है वह है इंद्रप्रस्थ। अब हम आते हैं कंबोज की राजधानी है राजपुरा। गांधार की राजधानी है तक्षशिला। मत्स्य की राजधानी है विराटनगर। सूरसेन की राजधानी है मथुरा। तो इससे हम ये मथुरा में क्या थे, सूरदास थे। हमें पता है कि जो सूरदास थे वो कृष्ण जी के भक्त थे और वो जन्म से अंधे थे, ठीक है। तो इससे हम याद कर सकते हैं जो सूरसेन की राजधानी है वो है मथुरा, सूरसेन, ठीक है। अब हम आते हैं चेदी, चेदी की राजधानी है शक्तिमती। तो इसको हम किस तरह से याद करेंगे, ठीक है, अगर किसी को बाड़ों से छेद किया जाए तो उसकी जो शक्ति होती है वो कम हो जाती है। तो हम इसको इस तब में याद कर सकते हैं कि बाड़ों से छेदने से उसकी शक्ति कम हो गई, तो चेदी की राजधानी हो गई शक्तिमती। फिर हम आते हैं अवंती, अवंती की राजधानी है महिष्मती। अश्मक की राजधानी है पाटन पोटली। तो अश्मक की राजधानी है पोटली, ठीक है। तो ये जो 16 महाजनपद थे इनका उल्लेख मिलता है बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में, लेकिन वही जो पाणिनि की अष्टाध्यायी है उसमें 16 महाजनपद की जगह 22 महाजनपदों का जिक्र किया गया है। तो हम अगर पूछेगा कि पाणिनि की अष्टाध्यायी में कितने महाजनपदों का जिक्र किया गया है, तो 22 जनपदों का। ठीक है।